खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड 47, 48, 49 और 51 में महिलाओं का तीज मिलन समारोह संपन्न हुआ। यहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दी। विभिन्न कार्यक्रमों में अव्वल रही महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं का तीज से संबंधित सामग्रियों का वितरण कांग्रेस नेत्री एवं समाज सेविका राजू चंदा ने किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से रक्षाबंधन के पूर्व टाउनशिप और खुर्सीपार क्षेत्र की महिलाओं के लिए तीज मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 47, 48, 49 और 51 में तीज मिलन समारोह का आयोजन समाजसेवी राजू चंदा द्वारा किया गया। तीज मिलन समारोह में वार्ड की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रही। यहां विधायक देवेंद्र यादव की ओर से सभी बहनों के लिए उपहार स्वरूप हरी चूड़ियां भेंट की गई। ससुराल से तीज मनाने मायके आई बहनों के लिए भी तीज मिलन को लेकर आकर्षक उपहार रखे गए हैं। तीज मिलन समारोह का आयोजन विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में राजू चंदा के द्वारा विभिन्न वार्डो में आयोजित किया जा रहा है, जिसे बड़ी संख्या में महिलाएं जुट भी रही है। यहाँ महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। इसी के तहत वार्ड क्रमांक 47, 48, 49 और 51 में खुर्सीपार में अलग अलग जगह में तीज मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। विजेता महिला प्रतिभागियों को राजू चंदा द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। राजू चंदा ने बताया कि तीज मिलन समारोह का आयोजन भिलाई विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में जारी रहेगा। सभी वार्डों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर आयोजन में भाग भी ले रही है। वार्डों का तो अभी चालू है हमारा, तो हमने 47, 48, 51, 49 का चारों वार्ड में हम लोगों ने हरी चूड़ी और मेहंदी और सारी बहनों को खूब सारा प्रोग्राम किया, डांस किया। उन लोगों को भी लग रहा था कि दूर दूर से कहाँ कहाँ बेटी बहू लोग शादी करके जाने वाले आए हैं हमारे भिलाई के अंदर, वो सारे लोग भी बहुत खुश हुए और धन्यवाद दिए हैं देवेंद्र यादव जी को कि भाई अगर है तो हम लोग को क्या डरना है, और भाई की तरफ से इतना सब कुछ हो रहा है एक बहनों के लिए, तो वो चाहते हैं कि हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले और हम सब साथ में रहें और एक दूसरे के साथ, और भी हम सब बहनें मिल करके जितने भी पूरे वार्ड की बहनें हैं सारे उनके दुआ दे रही हैं कि हमारा भाई हमेशा रहे। और हर बहनों लोगों का तो काम है राखी में दुआ ही देते हैं भाइयों को, तो इस बार भी सारे वार्ड की बहनें अपने भाई को दुआ ही दे रहे हैं कि हर जन्म में हर अभी जब तक रहेंगे। अभी भैया के यहाँ से राखी में सब बहनों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद भी है, प्यार भी है, और आगे भी वो बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। और उनका कहना था कि अम्मा जी इन बहनों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगी, और पूरे वार्डों में से कुछ ना कुछ बहनों के लिए अपने पैरों में खड़ा होने के लिए तो कर ही रहे हैं, उनके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, सिलाई पार्लर और कंप्यूटर का भी अभी चालू करने वाले हैं, ऐसे ही वो बहुत सारा करते ही रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही लोग आए, और मैं चाहती हूँ कि वैशाली नगर में भी ऐसे लोग आए जो लोग हमारे वार्ड को भी ऐसे करें। हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे वैशाली नगर में ऐसा कौन आने वाला है जिससे हम लोग दुखी ना हो जाएं। हम चाहते हैं कि वैशाली नगर में ऐसे ही विधायक जैसे आए हमारे देवेंद्र यादव जैसे, ताकि हमारे वार्ड को भी सुखी और सुंदर और बहनों का ध्यान रखने वाले ऐसे ही एक भाई चाहिए। बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव की पहल से भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वार्डों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यहां महिलाओं को स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी होकर आत्मनिर्भर बन सके। अब क्षेत्र की बहनों के लिए तीज मिलन समारोह का आयोजन विधायक की पहल से किया जा रहा है। आइए देखते हैं महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां।